दोस्तों लगता है जो मछली बहुत पीटता है, बहुत मछली फंस गया है, तो ढक्कन के ऊपर पकड़ के हम जल्दी से झाड़ लेते हैं। बहुत जबरदस्त मछली दोस्तों फंस गया है, इकला नहीं होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं नदी में मछली पकड़ने के लिए, और मछली पकड़ने वाला हम एक पिंजरा ले लिए हैं। यही पिंजरा में हम मछली पकड़ेंगे, और हमारे गांव देहात के नए नए तरीका है पिंजरा से मछली पकड़ने वाला। तो इस पिंजरा में तोता रहता है और तोता फंसाता है। आज हम ये पिंजरा लाए हैं मछली फंसाने के लिए, और देखते हैं पिंजरा में कैसा मछली फंसता है। अगर मछली फंसेगा तो रेसिपी बनेगा, नहीं मछली फंसेगा तो रेसिपी नहीं बनेगा। तो चलिए आज गाँव देहात के नए नए तरीका से हम पिंजरा में मछली फंसाते हैं, और पिंजरा से मछली फंसाने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम नए तरीके से पिंजरा से मछली पकड़ते हैं। दोस्तों पानी के नजदीक पहुंच गए हैं, तो चलिए गेहूं के आटा सान लेते हैं बोट के लिए। ये गेहूं के आटा डाल लेते हैं गमला में, ये थोड़ा पानी डाल देते हैं। दोस्तों गेहूं के आटा गूंद लिए हैं बोट लगाने के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम ये पिंजरा में कुम्ही डाल देते हैं। बोट लगा देंगे गेहूं के आटा, वही बोट खाने मछली जाएगा तब फंस जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुम्ही को डाल देते हैं पिंजरा में। कुम्ही देखने से मछली अंदर जाएगा बोट खाने के लिए, तो मछली फंस जाएगा और ढक्कन गिर जाएगा, मछली के इकला नहीं होगा। ये गांव देहात के नए नए तरीका है मछली पकड़ने का। दोस्तों तो पिंजरा के अंदर हम कुम्ही डाल दिए हैं, उसके बाद जो है से हम बोट बनाए हुए हैं, यही बोट हम लगा देते हैं। यही मछली खाने जाएगा तब फंस जाएगा। अगर मछली ज्यादा जाएगा पिंजरा हिलेगा तो ढक्कन अपने से गिर जाएगा। तो चलिए हम पानी में पिंजरा के लगा देते हैं। दोस्तों पानी में मछली फंसने के लिए हम पिंजरा के लगा दिए हैं, तो चलिए आप चलते हैं कल होकर के आएंगे। दोस्तों कल जो हम पानी में पिंजरा लगा करके गए हैं, तो आज आए हैं देखते हैं पिंजरा निकाल करके उसमें मछली फंसा है कि ना। एकदम धीरे से हमको गमला के रख देते हैं। दोस्तों लगता है जो मछली बहुत पीटता है, बहुत मछली फंस गया है, बहुत छड़पता है मछली। इसको ढक्कन के ऊपर पकड़ के हम जल्दी से झाड़ लेते हैं। बहुत जबरदस्त मछली दोस्तों फंस गया है, इकला नहीं होता है। इसमें और मछली फंसले है, इकला नहीं होता है। दोस्तों कुम्ही के लाग से बहुत मछली फंस गया है, कुम्ही के देखे से। इसको पहले हम कुम्ही के निकाल देते हैं। दोस्तों एगो बामी मछली इसमें बचले हैं। दोस्तों थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। दोस्तों पानी में पिंजरा लगाए हैं तो बिकट मछली फंस गया है तगड़ा, और बामी मछली फंसा है। तो आज किचन में बामी और बिकट के रेसिपी बनेगा, तो चलिए चलते हैं किचन के पास।
तो नदी से मछली पकड़ करके ले आए हैं, तो चलिए बोरा पर उझील देते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक बिकट मछली को हम चुइया छीन लेते हैं। बिकट में बहुत बड़ा बड़ा चुइया नहीं होता है, हल्का होता है। तो चलिए ये छिलनी से हम चुइया के मार देते हैं। दोस्तों बिकट मछली के बढ़िया से चुइया छिल लिए हैं, तो चलिए छोटे छोटे टुकड़ा में हम मछली को पीस बना लेते हैं। दोस्तों बिकट मछली काट लिए हैं, तो चलिए उसके बाद हम बामी मछली काट लेते हैं। पानी डाल करके मछली को बढ़िया से धो लेते हैं। पानी डाल दिए हैं, तो चलिए बढ़िया से धो लेते हैं। धो लिए हैं, तो चलिए परात में रखते हैं। पानी से मछली के धो लिए हैं, तो चलिए और पानी से धो लेते हैं। ये पानी भी डाल देते हैं। हम थोड़ा नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, बामी मछली में कचरा जो रहता है वो कट जाता है, बढ़िया से साफ हो जाता है, इसलिए हम नमक डाल दिए हैं। तो इसको मैज देते हैं बढ़िया से, इसको आराम से मैजना पड़ता है। बढ़िया से इसको हम मैज लिए हैं, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। मछली साफ लगता है और पानी भी साफ है। मछली में डालने के लिए सभी मसाला ले लिए हैं, उसका नाम बताते हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये कस्तूरी मेथी है, ये पीला सरसों है, ये गोल मिर्च है, ये लहसुन है, ये धनिया पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है। सभी मसाला डालने से बिकट और बामी मछली बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पत्थल धो लेते हैं। पत्थल के धो लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले लहसुन पेस्ट तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट हम पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। चलिए हम पीला सॉस डाल करके पीस लेते हैं। दोस्तों मसाला पीस लिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से हम उठा लेते हैं। हम लहसुन पेस्ट उठा लेते हैं, पेस्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं। सभी डालने के बाद चलिए बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मछली में लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए चूल्हा जोड़ लेते हैं। चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो चलिए सरसों तेल डाल देते हैं। दोस्तों सरसों तेल गर्म हो गया है, तो चलिए मछली डालते हैं फ्राई के लिए। दोस्तों ये मछली खाने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है, तो चलिए निकाल करके छीटा में रखते हैं। चलिए फिर उसे डाल देते हैं। दोस्तों जब तक इधर मछली के मुड़ा फ्राई हो रहा है तब तक इधर हम मसाला घोल लेते हैं। तो मछली के मुड़ा फ्राई हो गया है, तो चलिए निकाल लेते हैं। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है, तो चलिए पीला सरसों डाल देते हैं। पीला सरसों फूट गया है, तो चलिए मसाला डाल देते हैं। मसाला डाल दिए हैं, तो चलिए इसको चला देते हैं।
दोस्तों मसाला बढ़िया से भुजा गया है तो चलिए स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से पक गया है तो चलिए रस के लिए हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं तो चलिए इसको बढ़िया से चला देते हैं, जो सभी मसाला बढ़िया से मिल करके रस बन जाएगा। दोस्तों मसाला पक करके रेडी हो गया है तो चलिए इसमें हम बिकट और बामी फ्राई डाल देते हैं, उसके बाद चलिए पीस डाल देते हैं। ये सभी मछली डाल दिए हैं तो इसको चला देते हैं, जो सभी मछली में बढ़िया से रस और नमक बराबर हो जाएगा। दोस्तों मछली बढ़कर के तैयारी हो गया है तो चलिए स्वाद के लिए इसमें हम कस्तूरी मेथी छीट देते हैं, बामी मछली और बिकट मछली। कस्तूरी मेथी छीट दिए हैं तब बामी मछली और बिकट मछली बन करके तैयारी हो गया है तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। तो चावल परसे हुए हैं, चलिए मछली भी परोस लेते हैं। मछली चावल परोस लिए तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। बिकट और बामी मछली और चावल खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, ये वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।